be the first time I've been invited but since I belong to जहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स की बात है यूएन डिक्लेरेशन के बहुत ही ब्रेव होके अपने इन बच्चे जो उनके पास है और इन बच्चों एक आने जाने का एक रूटीन चाहिए था मेरे को, मुझे इसको बंद नहीं रखना है। मैंने इस कॉज के लिए खोला कल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्ट ऑफ सोसाइटी का डे है। ये उन लोगों का दिन है जो कि एक मेंटल हेल्थ इलनेस से जूझ रहे हैं, इसमें बुजुर्ग बच्चे जवान सब इंक्लूडेड हैं। इंटरनेशनल मेंटल इलनेस डे, मेंटल हेल्थ इलनेस डे हमें यही बताता है कि किस तरह से हमें इन लोगों को अपने अपनी तरह मानना चाहिए एंड द सोशल स्टिग्माज दैट आर अटैच्ड विद मेंटल हेल्थ इलनेस उनको केटर करना चाहिए और इन्हें अपने ही अपना एक पार्ट बना के, इन लोगों को अपना एक पार्ट बना के इनको ट्रीट करना चाहिए, उन्हें इनफैक्ट एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार के साथ रखना चाहिए। और इस चीज़ की अवेयरनेस कश्मीर में होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फॉर मी सिंस आई एम वेरी मच अटैच्ड विद दी वैली, वैली एक ऐसी जगह है जो कि इस टाइम पर एक डिफरेंट लेवल की मेंटल हेल्थ इलनेस से जूझ रहा है। क्योंकि आज जो 10th अक्टूबर है ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, ये मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे। ये मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे की कोई ऐसी थीम नहीं है, बस इसका यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आए। जिनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो अपने आप को घरों में एक जगह पर ना रखें, वो आगे आए, वो कहे कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत जगह देखा गया है कि सोशल स्टिग्मा है, उनको लगता है कि ज़हनी अमराज अगर हम बोलेंगे है तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे सोसाइटी कल को जाके इसमें अब्यूज़ करेगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैं एक मदर हूँ, एक ऑटिज़म बच्चे की, चाइल्ड लिविंग विद ऑटिज़म, जो कि आज एक 15 साल का है और 15 साल से मैं इस पर फाइट कर रही हूँ, मतलब इस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के साथ। तो इसीलिए तक मैंने आज रखा ये प्रोग्राम, मैंने इन बच्चों को बुलाया जो कि हमारे सेंटर पे आते हैं डे बोर्डिंग या ओपीडी के लिए, उनके पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया ताकि हम यहाँ की, यहाँ इन बच्चों की एक्सेप्टेंस आए, यहाँ इन बच्चों को सोसाइटी एक्सेप्ट।